पाकिस्तान के मेल सुपर मॉडल और बेमिसाल अदाकार फरहान अली आगा का ताल्लुक क्वेटा से है। फरहान अली आगा ने अपने फनी कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया। बतौर अदाकार फरहान अली आगा का पहला ड्रामा 1995 में रिलीज होने वाला ड्रामा सीरियल जाल था। फरहान अली आगा की अदाकारी और दिलकश शख्सियत ने हजारों लोगों को अपना गर्वीदा बना डाला। सिर्फ एक इंसान पूरे खानदान का जिम्मेदार नहीं होता, नस्ल दर नस्ल बहुत से लोगों की मेहनत से खानदान की शक्ल बनती है। अपने 15 साल कैरियर में फरहान अली आगा ने अनगिनत किरदार अदा किए जिन्हें शायकीन ने बहुत सराहा। आइए मिलते हैं फरहान अली आगा से। ओके जी, पैकेज आपने देखा, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो ग्लासेस वाली थी बड़ी मजे की मुझे लगी, इंटरेस्टिंग लगी। खैर एनीवेज, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, अ वेरी लवली पर्सन, अ वेरी लाइवली पर्सन, और बड़े शरीफ एक्टर हैं। माशाल्लाह से इतने शरीफ एक्टर हैं कि मतलब मैं कहती हूँ ऐसे भी रोल नहीं करने चाहिए, थोड़े ऐसे वैसे भी कर लेने चाहिए रोल। लेकिन एनीवेज, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली फरहान अली आगा। और फरहान के बारे में मैं ये बताऊँ की आजकल स्पेशली आप कोई भी चैनल लगा लें, फरहान जो है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। माशाल्लाह इतना बिजी आर्टिस्ट है, इतने ज्यादा डिफरेंट रोल्स कर रहे हैं। और जाल एक सोप था 1994-95-96 में मेरे ख्याल में चला था, 100 से ज्यादा एपिसोड थे, उसमें फरहान का मेन कैरेक्टर था, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट प्ले। शुरू फरहान ने मॉडलिंग से किया था, और बड़ा सिंपल सीन की स्टोरी है कि ये जिम में एक दिन एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके जिम इंस्ट्रक्टर ने स्पॉट किया सिकंदर बलोच साहब आई बिलीव, और उन्होंने फिर इन्हें मॉडलिंग की ऑफर की। इन्होंने कहा कि चलो शुगर में कर लेते हैं। वो मॉडलिंग का सफ़र जो शुरू हुआ और वो अब तक जारी है, एक्टिंग में कन्वर्ट हुआ, फिर एंकरिंग भी इन्होंने की। फरहान हर प्ले में माशाल्लाह से हर चैनल पे आप नजर आ रहे हैं, हर किस्म का रोल भी कर लिया, नेगेटिव भी किया, क्यों किया ये भी पूछूंगी, भाभी को कैसे टाइम देते हैं? नहीं, मैंने वो मैं बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता हूँ, और मेरे सर्टेन टाइमिंग्स होते हैं शूटिंग्स के, और जब महीना प्लान होता है ना तो उसमें डेज भी प्लान हो जाते हैं कि यहाँ पे गुंजाइश मिलेगी आपको। अच्छा। तो और जब भी फैमिली के साथ होता हूँ तो आई मेक श्योर कि क्वालिटी टाइम दिया जाए, तो वो बैलेंस मेरा आउट नहीं है। सही। वो बेइंतहा करते हैं। अच्छा फरहान, इतनी वर्सेटिलिटी, माशाल्लाह, यू स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल, ठीक है, और उस जमाने में यू हैड द टिपिकल लुक्स ऑफ द मॉडल। आपने मिस्टर पाकिस्तान या कोई कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था? मिस्टर कराची में, मिस्टर कराची में हिस्सा लिया था बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से। उस जमाने में एक यू नो इस तरह वेल बिल्ट मॉडल, बड़ा जबरदस्त। एक्टिंग की तरफ आए, अब यूजली लोग कहते हैं कि मॉडल जो हैं वो एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनका बड़ा स्टिफ फेस होता है, दे आर यूज टू द रैंप और यू नो कमर्शियल्स, एक्टिंग नहीं कर सकते। व्हाट मेड यू स्विच? देखिए उस वक्त तो बहुत जल्दी आप अखबार के फ्रंट पेज पे आ जाते थे, लेकिन एज सच करियर आप नहीं बना सकते थे क्योंकि काम लिमिटेड था। मॉडलिंग बहुत जल्दी डेड एंड पे आ जाती थी, जबकि नाम मिल जाता था आपको। आजकल नाम बनाना मुश्किल है कि हर चैनल पे नजर आ रहे हो तो भी नहीं जान रहा कोई क्या नाम है आपका, आपको देखा है कहीं, यही वाला चक्कर है। तो एक्टिंग का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उस वक्त ब्रांच आउट करने की यही सिचुएशन नजर आ रही थी। अच्छा, सो यू बेसिकली वांटेड टू ब्रांच। हाँ, और ये सही बात है कि मैं तो कम से कम, मुझे तो एक्टिंग नहीं आती थी, मैं हमेशा बोलता हूँ। एक चीज होती है नेचुरल टैलेंट होता है, और एक चीज, एक टर्म यूज करते हैं एक्वायर्ड स्किल। तो मेरी तरफ से इट्स एन एक्वायर्ड स्किल, इसलिए वो आपको हर साल हर महीने बेहतर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आई एम ऑलवेज लर्निंग। एक्टिंग के अलावा आर यू एंगेज इन एनी अदर प्रोफेशन, कोई बिजनेस या कुछ ऐसा, या सिर्फ दिस इज योर फुल टाइम? दिस हैज बिकम फुल टाइम रादर, बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल से, क्योंकि जब से हमारी इंडस्ट्री मीडिया बूम आया है 2000 के बाद से, तो वो खुद ब खुद ही बन गया है। सही। अच्छा फरहान, टेल मी वन थिंग, क्वेटा में यू वर बोर्न इन क्वेटा, तो जिम में गए, मतलब मॉडलिंग से आगाज किया, सब घर वालों को जब बताया कि मामा मैंने तो जाना है जी टीवी के अंदर, मैंने तो शोबिज में जाना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? कुछ भी नहीं, वो मेरी जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो फैसला करने की जो सलाहियत है,
वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है. अच्छा. और घर वालों ने कभी ऐसा सच उसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं की. मतलब रुकावट नहीं कोई कुछ हुई. नहीं तो इसका मतलब है मर्जी से शादी हुई होगी फिर उसमें भी रुकावट नहीं कोई होगी. शादी लव मैरिज तो नहीं थी. अच्छा. अरेंज थी. हाँ. लेकिन ये मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि बीच में कुछ लव बाद में कन्वर्ट हो गई होगी. बाद में लव में कन्वर्ट हो गई तो अच्छी बात है ना. सही. अच्छा फरहान, यू डोंट हैव द टिपिकल यू नो चॉकलेट हीरो लुक्स. गॉट अ वेरी स्टिफ यू नो लाइक बॉडी बिल्डर और मॉडल वाली. कभी ये चीज अड़े आई कैरेक्टर सिलेक्शन या रोल्स में, या कभी इस वजह से आपको इग्नोर किया गया, नहीं यार वो हीरो नहीं, यार हीरो हमें चाहिए चॉकलेट टाइप हो, वो तो बड़ा मतलब. एक्चुअली एक हमारे यहाँ एक सेफ प्ले करने का एक तरीका होता है कि यार वो लगता है वो कर लेगा उसको ले लो, वो नहीं लगता तो नहीं लो. तो जब आप प्रूफ कर देते ना मटेरियल अपना एक दफा, इसको किसी भी सांचे में आप डाल दें, तो वो जिस तरह वो मन चले हुआ था कॉमेडी, तो आप किसी भी सांचे में अगर आप ढल सकते हैं तो वो चीज उसको वो बैरियर तोड़ना पड़ता है आपको. हाँ. अपने आप को प्रूफ करके. हाँ. तो फिर वो चीज इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यू अगेन. कभी होता नहीं. और मनचले वो सच अ नाइस प्ले और बड़ा अच्छा. वो मैं मूछे से देखती रहती थी और मैंने कहा था कि जब भी मैं फरहान से मिलूंगी मैं, मुझे ये मूछों से मसला तो नहीं है, वो लगता था उतर जाएंगी वो कोई स्पेशल ग्लू. असली थी? नहीं असली नहीं हो सकता. नहीं असली तो नहीं थी. हां असली. आप यकीन करें डायरेक्टर वाजंट श्योर कि ये कर लेगा या नहीं करेगा. बेगम वाज श्योर. बोला तो नहीं इसका है सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कर लेगा. टेल मी वन थिंग, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह से? दो बेटे हैं. दो बेटे और कितने बड़े हैं? एक 8 साल का है और दूसरा जो है वो 2 साल का. अच्छा. और उनको और बड़ा बेटा जो है वो भी, हाँ he's done about 4-5 commercials. अच्छा. अभी से मतलब फादर की लाइन पे चल रहा है. मैं इसलिए ले गया था क्योंकि आई फील आज के दौर में ना कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड में. कैमरे से जो चीज आती है ना अगर ये झिझक निकल जाए आप में से तो आप बहुत जगह बोल्ड होकर. फरहान कॉलर एक आपके हिसाब से बात करना चाहेंगे. मैं खान में. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. क्या हाल चाल है सुंदर? और अस्सलाम वालेकुम आपको भी फारूक भाई. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे? जी आई एम हुमैरा फ्रॉम मियांवाली. रेगुलर कॉलर हमारी. क्या हाल है मियांवाली का? क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह. जी क्या कहना चाहोगी? फरहान हमारे साथ मौजूद है. जी मैं उनसे पूछना चाहूंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आपके काफी ड्रामास देखे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे प्लेस करते हैं. तो आगे फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान्स हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने का. मेरा ये वो सवाल किया जो हमें करना चाहिए था. टेक्निकल किस्म का किया. अच्छा आप लोग का टेक्निकली टाइम बच गया. ठीक है जी. फ्यूचर में मेरा वैसे प्लान है एक इंटरनेशनल फिल्म करने का. वो मैं इंशाल्लाह जब वो चीज ऑन पेपर बॉलीवुड और हॉलीवुड. नो आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड. हॉलीवुड. तो वो जब चीज ऑन पेपर हो जाएगी तो आई विल फिर डिस्क्लोज इट. दैट्स योर एम बेसिकली. बिकॉज़ आई फील, मैं तो हमेशा से फील करता हूँ कि आई फिट इन देयर. सही. छोटी सी ब्रेक लेंगे बिकॉज वापस आएंगे. फरहान अली आगा बताएंगे कि इनकी लाइफ का मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट या इंस्टेंस कौन सा था. स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया. जादू 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 जादू